अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। वो गाड़ी से कौन था? वो हर साल रिन्यू कराना, अगर नियम में होगा तो रिन्यू करेंगे। नहीं होगा तो नहीं करेंगे। टाइम का सबसे पुरानी दुकान है, अपन ने लाया काम करा, तो आज इसको रिन्यू का कर रहा। आप लोगों ने तो रोक लगा रखी कितने। फोन था वहाँ पे, हमको मालूम है क्या रेट दूसरे से होता है। अरे मेरे को नहीं पता। मिला लेंगे।
गाँव कोर्ट से भी लगा है, कोर्ट में क्या आप रिन्यू करो ना, आपको फिर देखे नहीं, और आपकी गलती है ना, हम मान रहे हैं तो तुम्हारी गलती चलो का नहीं है, माना हर चीज को हमने, तो आप रिन्यू तो करो, हमारा तो पुराना बाप दादा का धंधा है, वो अकेला थोड़ी धंधा है कि हम लाएंगे, हाँ सबसे पुरानी दुकान है, आप उस चीज को तो पहले करो, उसको तो मानो आप सबसे बाप दादा पुराना बंदा 30 साल लाने वाले हमारे, हम दे रहे आप रिन्यू करके दीजिए, हम कोई गलत लीगल काम तो कर नहीं, गलत काम तो कर नहीं करते, इसके बाद दूसरे दिन पे नगरी इंदौर कार्रवाई की जा रही, कौन कौन से विभाग और कहाँ कहाँ कार्रवाई की गई? जी हमने अभी उज्जैन रोड ब्रिज और ये रेलवे स्टेशन के आसपास कार्रवाई कर रहे हैं, और पूरे शहर में कार्रवाई, पूरे नगरी क्षेत्रों में कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार अवैध मांस मटन मछली और ऐसी दुकानें जिनके पास लाइसेंस नहीं है, बिक्री पर प्रतिबंध घोषित किया गया है, इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। सर देखा गया कुछ व्यापारियों कहना कि हम लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए जा रहे हैं, पर रिन्यूअल नहीं हो रहे हैं। रिन्यूअल की कुछ शर्तें हैं जो सरकार द्वारा निर्धारण किया गया है, अगर उन शर्तों का संबंधित विक्रेता पालन करता है तो उसको लाइसेंस तुरंत दे दिया जाएगा। सर नॉर्म्स क्या बोलते हैं? नॉर्म्स में उसमें कुछ शर्तें हैं, जैसे आपको काला कांच लगा के रखना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, और जो स्लॉटर हाउस है उसमें पूरा साफ़ सफाई रहेगा, ऐसे नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स का अगर हमारी टीम निरीक्षण करती है, अगर पालन किया जाना दिखता है तो हम लाइसेंस दे देते हैं। सर देवास में कितनी दुकानें सर लाइसेंस पर संचालित है? अभी तो एक भी लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ है पिछले 3 वर्षों से। सर इसके अलावा और भी जो सड़क पर अंडे वंडों की दुकानें चल रही है वो संचालित, उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि साफ सफाई का ध्यान रखें और थोड़ा सा मुख्य मार्गों से थोड़ा सा किनारे होकर दुकानें लगाएं, क्योंकि निर्देश क्योंकि मांस और चिकन और मछली के लिए ही प्राप्त है, अंडे वालों को केवल समझाइश देके भी छोड़ा जा रहा है। सर पिछले 2 दिनों से आपके द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? आगे भी इस प्रकार की ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, मांस जब्ती करा जाएगा और दुकानों को सील किया जाएगा जब तक ये लोग अपने लाइसेंस का रिन्यू नहीं कराते। सर आज कितना माल जब्त किया गया? आज लगभग 30 किलो से ज़्यादा का माल जब्त किया गया, और अभी कार्रवाई जारी है, शाम तक जारी रहेगी। चलानी कार्रवाई बिल्कुल की गई है।